जी गृह मंत्रालय में सर मंत्री जी के पास आवेदन दिया गया है सर, तो हम लोग सर से मिलने आए कि श्रीमान जी हम लोगों का कितना दिन के बाद सेवा विस्तार होगा। बिना बेवजह बेकसूर को हम लोगों को बिना किसी ड्यूटी में कभी भी कोताही नहीं हुआ। 3,000 रुपया मानदेय सर मिल रहा था, हम लोग सोचे कि 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल करते करते जैसे ही 6,000 रुपया होना हुआ, एकाएक हम लोगों को सेवा विस्तार रोक दिया गया। इस परिस्थिति में हमें 7,000-8,000 जवान सब दर दर को ठोकर खा रहे हैं श्रीमान जी। जमुई जिला में 400 है, हर जिला 23 जिला में सर 200-400 कर करके हमारे कर्नूल रोहतास में भी सर 250-300 जवान हम लोग हैं। तो 10 साल हम लोग सरकार का सेवा किए सर, सरकार के कदम से कदम मिलाकर चला गया, अब चले आए एकाएक हम लोगों को वेतन रोक दिया जाए सर, अब हम न्याय संगत नहीं है। और हम लोग किस बहाली के लोग हैं सर, 10 साल 12 साल सेवा करने से साथ साथ हम लोगों की उम्र सीमा भी खत्म हो जा रही है सर। इसके चलते सर हम लोग संघर्ष से डरते भी नहीं हैं। मान लीजिए सर हम लोग भारत सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे तो बिहार सरकार का कहना है कि उग्रवाद खत्म हुआ, ठीक है उग्रवाद खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों ने अपना खून पसीना गया है बाबूजी, आगे आगे आदमी सूचना देने के बावजूद भी हम लोग सीना तान कर आगे आगे चलते हैं सर। हम लोग पुलिस प्रशासन है उजू, हम लोग आशा बनाकर रखे हैं कि एक न एक दिन हम लोगों का दिन सपना जरूर साकार हो गया। माननीय केंद्रीय गृहराज मंत्री जी से हम लोग मोदी स्टेट आवास पर 3-4 बार हम लोग मिले हैं। माननीय केंद्रीय गृहराज मंत्री जी बोले कि हम जिसको कलम से लिख देते हैं उसका काम रुकता नहीं है, आप चले जाइए आप लोगों का काम हो जाएगा। 2019 में बोले सर, 20 बोले, 21 बोले, 22 23 जाने जा रहा है, हम लोग कितना संतोष कर कर कहाँ जाए, चौहर बाहर खाकर मर जाए सर, क्या करें। जमुई जिला गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास में बहुत से एसपीओ के कत्ल घर घर में जाकर आतंकवादियों ने सर कुतुर कुतुर कर काट दिया है। इसके बावजूद भी अभी मोतिहारी में सर एक पासवान की गोली मार कर करके उसको भी जाना चाहिए शराब माफिया को पकड़ने के लिए, तो अपने साथ में एक दो लोग को लेकर जाना चाहिए, एकाएक विशेष किसी के पहे हुए जाकर के आतंकवादियों के शराब माफियों के हाथ में, तो कैसे कैसे परमात्मा ने उसकी जान बचाई। अलग अलग समय पर 2-3 बार हम लोगों की मुलाकात इस विषय पर हुई। आज अब आप सबके साथ एक बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर आए हैं। पहली बात तो इतना मैं स्पष्ट करके बता दूं कि जो विषय है आप लोगों का, इससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं। आप लोगों की हर एक मांग जायज़ है, आप लोग कहीं किसी गलत मांग को लेकर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे, ये आप लोग का हक था, यह आप ही लोगों का अधिकार था, जो आप लोगों से छीन कर किसी दूसरे व्यक्ति को देने का काम किया जा रहा है। 2018 में जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन आया और उसके बाद एक्स आर्मी मैन और ये सब उन सब को बहाली का इसमें जिक्र किया गया, और एक लंबे समय तक सालों से जो आप लोग सेवा दे रहे थे, और ना सिर्फ आप लोग सेवा दे रहे थे बल्कि आप में ऐसी भावनाओं को कभी आप लोग मन में मत लाए, ये कमजोर व्यक्ति की निशानी है। लड़ाई है भैया, लड़ेंगे हम लोग, कब तक कोई हमसे लड़ता रहेगा भाई। आज नहीं मांग पूरी होगी तो कल मांग पूरी होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। आप लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया चिराग पासवान अकेला इतना सामर्थ्य वादी हो जाएगा, इतनी सक्षम अगर आप लोगों ने हमको बना दिया तो संभवतः हम अगले दिन ही हम आपका काम कर देंगे अगर आप लोगों का साथ करें। पर कभी भी अपने आप को कमजोर मत कीजिए, ऐसी भावनाओं को मत आने दीजिए। लड़ाई है, कठिन समय है आप लोगों के लिए, हम समझे, पर लड़िए, यही जीवन है भैया, किसी ने नहीं कहा कि जीवन आसान होगा। लड़िए, मजबूती से लड़िए और हर दरवाजे पर जाके लड़िए। हम भी आपकी बातों को रखेंगे, आप भी जाइए, आप लोग जाते ही हैं दिल्ली के, और किसी मंत्री के यहाँ आप लोग नहीं छोड़े भाई, आप राज्य मंत्री के यहाँ गए हैं, आप जाइए गृह मंत्री जी से भी आप लोग मिलने का प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ से, और आज नहीं तो कल आपकी मांगों को माना जाएगा, ये विश्वास हमको है, और यही सकारात्मक विश्वास आप लोगों को भी रखना। जिस दिन ये नकारात्मक सोच मन में आने लग जाएगी तो आप लोग हार मानने लगे, और ये सोच गलत है, हार नहीं माननी है भैया, हम लोगों को लड़ना है, लड़कर पुनः अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को हम लोग को संभालना है। हम क्या कर रहे हैं भैया, हमको हार मानना होता तो आज हम भी थक के बैठ गए होते, कौन देखता हमारी माँ को, कौन देखता हमें, कौन देखता हमारे परिवार को, हमको तो हमसे तो सब छीन लिया गया था, हम भी सोचते कि भाई अपना जीवन समाप्त कर,
पर ये गलत सोच। तो ये आखिर में जो आपने बोला कभी इसको मत दोहराइएगा। और जहाँ तक रही बात आपकी मांगों की, इस पे कार्य हमारी तरफ से शुरू है। हमारा कार्यालय निरंतरता में संपर्क में है गृह विभाग के, राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया है, हम लोग चाहते हैं कि उसको बदला जाए और 2011 में जिस तरीके से था उसी के आधार पर ये चीज़ें चलती रहें, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मेरी तरफ से प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, ये विश्वास बता दो कि सेवा के लिए आप लोगों ने कार्य किया। ये अन्याय है कहीं ना कहीं कि इतने साल आप लोगों की सेवा लेने के बाद उम्र के अब इस पड़ाव में आकर, और उम्र का ये एक ऐसा पड़ाव जहां ना आप इधर के हैं ना उधर के, नई शुरुआत कर नहीं सकते, और जहां पर आप लोग थे उसमें से यकायक एक नए प्रावधान की वजह से आप लोगों को हटा दिया गया, इन तमाम बातों से मैं, मेरी पार्टी पूरी तरीके से सहमत है। और ये सिर्फ राजनीतिक आश्वासन देने के लिए हम नहीं कह रहे। पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई तो ठीक एक महीना पहले 1 अगस्त को हम केंद्रीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को हम ये पत्र भी लिखे। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से हमारी फोन पर भी बातचीत हुई। वो समय ऐसा था जब थोड़ा सा देश के एक राज्य में, मणिपुर में थोड़ी हिंसक घटनाएं थी, और उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लगभग 23-24 दिन तक मणिपुर में ही थे। केंद्रीय गृह मंत्री भी, संसद चल रहा था, अविश्वास प्रस्ताव था, उनसे भी हम लोगों ने मौखिक तौर पर जानना चाहा कि भाई 15 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, आज ना एक महीना हुआ, पर हम आज से 10-12 दिन पहले की बात कर रहे हैं। हम उनको बोले कि भाई 15-18 दिन हो गया है, अभी तक हमको इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या करना चाहती है आप लोगों के भविष्य को लेकर, अगर में इस तरीके से लगभग 7,000-7,500 जवानों को नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसे में सरकार की क्या योजना है आप लोगों को लेकर, ये जानकारी हमने भी उनसे प्राप्त करना चाहा। उस वक्त विभिन्न कारणों की वजह से संसद, मणिपुर को लेकर जो हंगामा चल रहा था, और G20 की जो एक बड़ी बैठक इस वक्त शुरू होने वाली है, 7 तारीख से वो बैठक शुरू हो जाएगी। हमारे पास जो हकीकत है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई अधिकृत जवाब इसका आया नहीं। आप लोगों से मिलने से पहले भी हमने प्रयास किया कि एक बार बातचीत कर अगर कोई नई जानकारी है, तभी आप लोग कुछ समय से जब से यहाँ पे बैठे थे तो हम अंदर फोन लगाकर यही प्रयास कर रहे थे कि हम कोई और आप लोगों को लेकर कोई जानकारी है तो हम उसको ले। फिलहाल अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी केंद्र सरकार गृह विभाग के माध्यम से नहीं आई, पर पुनः इस बात का विश्वास आप लोगों को हम दिलाते हैं, हम लोगों की तरफ से प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रही। जितनी बार आप लोग हमसे मिले हैं उतनी बार दबाव हमने सरकार पे डालने का प्रयास किया है, क्योंकि आपकी मांगों से पूर्णतः हम सहमत हैं। अगर हमको कहीं लगता कि भाई आप लोग कोई गलत बात बोल रहे हैं या आप लोग कोई ऐसी मांग कर रहे हैं जो उचित नहीं है, तो संभवतः हम भी इतना प्रयासरत नहीं रहते। पर हम समझ रहे हैं कि आज इतने साल सेवा में देने के बाद अब जब आप लोग की उम्र नहीं है, ऐसे में घर परिवार को चलाने को लेकर यकीनन जो कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं उसको हम समझ सकते हैं। इसीलिए तुरंत जाते ही हम पुनः गृह मंत्री जी से हम प्रयास करेंगे, उनसे मुलाकात कर एक बार इस बात को जानने का कि क्या योजना केंद्र सरकार बना रही है। आपसे बस हम इतना ही आग्रह करेंगे, कठिनाइयां आती हैं जीवन में, और किसी का जीवन सहज नहीं रहता। हर किसी के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान जीवन को समाप्त करना ज़्यादा आसान समझता है बनिस्पत जीवन जीने के। हम भी भाई हम व्यक्तिगत उदाहरण से बताएंगे, पिछले 2 साल जो हमारे जीवन में हमारे पिता के निधन के बाद हुआ,
घर परिवार के लोगों ने ही हमारा साथ छोड़ा, अपनी ही पार्टी से हमको निकाल दिया गया, सामान हमारा सड़क पर हफ्ता 10 दिन तक पड़ा रहा। तो हम भी समय के एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ संभवतः मन में ये बातें आती हैं कि क्या जीवन को समाप्त कर देना जीवन जीने से ज़्यादा सहज है क्या। पर आप लोगों से आग्रह करेंगे, जो अंत में जो आपने बात बोली, जीवन से हार मान लेना ये कायरता की निशानी है। और आप सब लोग जवान रहे हैं भाई, आप सब लोगों ने दूसरों को जीना सिखाया है, दूसरों को जीने का सहारा आप लोग बने हैं। पीड़ा को रखेंगे, उस वक्त भी हम उनसे जो भी जवाब हमको मिलेगा आप सबके संज्ञान में दिया जाएगा, हमारे प्रयासों में कमी नहीं रहेगी, बस ये विश्वास हम पे रखें। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।